हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास टेंथ फिजिक्स एनसीईआरटी, जिसमें हमने बेसिक देखा था, मतलब चार्ज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंड ऑल। आज से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो हम आज से पढ़ेंगे वो हमारा मेन है, यहाँ से आपको कंसनट्रेट होकर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज से चैप्टर। क्या था चैप्टर हमारा? इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की हो सकती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर वन इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट करेंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो हम ये देखें कि इनका बेसिक मीनिंग क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब? इसका इसके नाम में ही इंडिकेट हो रहा है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक हो। स्टैटिक इन द सेंस रेस्ट पे हो। क्या रेस्ट पे होगा? तो चार्ज रेस्ट पे होंगे, यानी चार्ज क्या हो? चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्जेस का यहाँ पे क्या मतलब है, लिटरल मीनिंग यहाँ पे क्या है हमारे? चार्जेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो वो रेस्ट पे हो, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, क्लास 12th का ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें ये पढ़ेंगे। हमारा आज का एजेंडा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक करेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? चार्जेस एट मोशन। चार्जेस एट मोशन। चार्जेस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन द मोशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पे? मोशन में होंगे। तो ये हमारा क्लास टेंथ का टॉपिक है, ये ट्वेल्थ का, इसको ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज का, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज का फ्लो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इसका मतलब? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों ही डिफिनेशन के मीनिंग सेम है, कभी भी ये नहीं करना कि ये अलग चीज़ है, दोनों ही सेम है। क्या सेम है इसमें? जब भी रेट की बात हो, रेट की, तो रेट हमेशा हम डिफाइन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मीनिंग इसका क्या है? करंट क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूले लिखेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। होप इतना समझ में आया होगा आपको। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। चार्ज को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को स्मॉल टी से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। हमेशा याद रखना है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से, टाइम को स्मॉल टी से, ये याद रखना है। यहाँ से हमें फार्मूला समझ में आ गया। और एक लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने चार्ज का फार्मूला देखा था, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी लास्ट टाइम क्लास में हमने यह भी देखा था क्यू इक्वल्स टू
एन ई, ये भी फार्मूला देखा था। तो इस पे यहाँ पे यदि पुटअप कर दें तो क्या और फार्मूला बन सकता है हमारा, तो आई इक्वल्स टू बन जाएगा एन ई अपॉन टी। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व। तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी भी सही है और आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, वेयर एन इज इंटीजर एंड ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। इधर समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसकी यूनिट, यूनिट क्या हो सकती है। तो आई क्या करंट है, क्यू चार्ज है, यहाँ से देखना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना, यहाँ पर पुट कर अप करें तो इसकी वैल्यू आएगी, मतलब तो चार्ज का क्या होता है कूलम्ब, और टाइम का ऐसा यूनिट होती है सेकंड। इधर समझ में, और कूलम्ब अपॉन सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगी, एम्पियर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, ये हमें याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एसआई यूनिट करंट क्या हो सकती है, एम्पियर यदि नहीं गिवन है और कूलम्ब अपॉन सेकंड गिवन है तो इसका भी मतलब सेम यही है, एम्पियर ही, क्योंकि साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनके नाम पे एम्पियर रख दिया गया, इसका लिटरल मीनिंग कूलम्ब अपॉन सेकंड ही है। तो ये हमें याद रखना है, होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि डिफाइन वन एम्पियर, वन एम्पियर को डिफाइन करो, डिफाइन वन कूलम्ब, तो उसकी हम डिफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर यदि हमें वन चाहिए, यदि हमको इसको वन बनाना है, वन एम्पियर यदि इसको बनाना है तो कैसे बन सकता है ये, यहाँ पे वन आ जाए, यहाँ पे भी वन आ जाए, यानी ये अब क्या हो जाए, वन कूलम्ब ठीक अपॉन वन सेकंड, वन एम्पियर, वन एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वन सेकंड, वन एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वन सेकंड। ये यहाँ से ये डिफिनेशन आ गए। और क्या हो सकते हैं यहाँ से, सपोज करो यहाँ से मैं कुछ क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू क्या हो सकता है, आई इंटू टी। तो यहाँ से हम चार्ज की भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या होगा चार्ज की डिफिनेशन, चार्ज की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए वन एम्पियर हो जाए और ये वन सेकंड हो जाए, वन इंटू वन तो वन कूलम्ब हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि वन कूलम्ब की डिफिनेशन आए तो क्या डिफिनेशन हो सकती है, वन कूलम्ब इज डिफाइंड एज व्हेन वन एम्पियर, व्हेन वन एम्पियर ऑफ करेंट फ्लोस इन अ सर्किट इन वन सेकंड। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कूलम्ब। नेक्स्ट ये हो गया हमारा डिफिनेशन और करंट क्या होता है, होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करिए
ऐसा एक इंक्लिनेशन है और एक बॉल यहाँ पे प्लेस्ड है। ये बॉल यहाँ पे मूव तभी होगी जब यहाँ दो इन दोनों की हाइट का डिफरेंस हो। हाइट में क्या हो, डिफरेंस हो। यदि हाइट सेम रहे, सपोज़ करो आप कि यदि दोनों हाइट, यदि ये एच है तो सेम हाइट यदि एच यहाँ पे भी है और कोई बॉल यहाँ पे है प्लेस्ड है, कभी मूव कर ही नहीं सकती। मतलब हाइट में डिफरेंस होगा तो ही बॉल मूव करेगी। एक तो ये लिटरल मीनिंग हुआ, मतलब इसको मूव करने के लिए हाइट में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल एक समझने के लिए एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सपोज़ करो आपकी एक टब है, दो टब हैं और वो पाइप से क्या है कनेक्टेड है। सपोज़ करो आप एक ये टब है और एक टब यहाँ पे भी है, ठीक, और ये दोनों टब यहाँ पे एक पाइप से सपोज़ करो आप कनेक्ट हैं, ठीक। अब यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, इसमें इतना पानी फिलअप है, अभी ये वॉल्व पानी क्लोज है। जैसे हम इस वॉल्व को ओपन करेंगे तो इस टब से इस टब में पानी तब तक फ्लो होगा जब तक इसमें और इसमें प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। यानी यदि इसमें पानी इतना है तो ऐसा तो है नहीं कितना ही पानी इसमें फ्लो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका पानी फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ से फ्लो शुरू होना होगा और यहाँ पे फिलअप होना लगेगा। फिलअप होते होते ये तब तक फिलअप होगा जब तक दोनों टब पे इक्वल अमाउंट में पानी नहीं आ जाता। क्या मतलब यहाँ से, मतलब कोई भी चीज़ तब फ्लो होती है जब प्रेशर सेम हो, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा एक तरफ, प्रेशर कम है, तो प्रेशर तब तक फ्लो होगा जब तक इक्वल ना हो जाए। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज़ करिए कि एक हमारे पास हॉट बॉटल है और इसी के कांटेक्ट में एक दूसरा बॉटल हमने रख दिया, ठीक है। ये क्या है, गर्म है और ये क्या है, ठंडा है। एक हॉट है और कोल्ड है, तो इसकी एनर्जी इसमें तब तक ट्रांसफ़र होगी, हीट एनर्जी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। यानी यदि ये गर्म है और ये ठंडा है तो ऐसा नहीं होगा कि ये गर्म ही रहेगा ये ठंडा ही रहेगा, या फिर ये बहुत गर्म हो जाएगा ये ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये इसमें से एनर्जी, हीट एनर्जी इसमें तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक इसका हीट और इसकी हीट दोनों क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। क्या समझ में आया हमको तीनों में से, कि किसी भी चीज़ को फ्लो होने के लिए एक तो हमें हाइट चाहिए, सेकंड क्या चाहिए, प्रेशर भी सेम होना चाहिए, तभी कोई चीज़ फ्लो हो सकती है। जैसे एयर भी जो फ्लो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होती है, ऐसा तो नहीं कि लो से हाई में चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। हाई प्रेशर होगा वहाँ से फ्लो होगी लो प्रेशर में। हीट के केस में क्या होगा, हीट तब तक फ्लो होगी जब तक दोनों में इक्वल अमाउंट में ट्रांसफ़र ना हो जाए एनर्जी। सिमिलरली प्रेशर भी तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों में बराबर प्रेशर ना आ जाए। सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी है। क्या इसमें काम कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो चीज़ों में डिफरेंस होगा, इतना समझ में आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूनिट चार्ज। क्या मतलब हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी चार्ज। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला आ गया, होप इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसी की हेल्प से। तो हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है, सेल से, बैटरी से या फिर जनरेटर से। तो कहने का मतलब है, सपोज़ करिए एक पॉइंट ए है यहाँ पे और एक पॉइंट बी है,
और इनके बीच में एक वायर से कनेक्शन है, ठीक, ये दोनों वायर से कनेक्ट हैं, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ मूविंग चार्ज चार्ज यहाँ पे चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या फिर ये भी कर सकते हैं आप, फ्रॉम मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज को मूव करने में जो एनर्जी लगेगी वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन, किसके थ्रू वर्क डन, चार्ज के थ्रू, इतना समझ में आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, होप इतना समझ में आया होगा आपको। वोल्ट बोला जाता है, एलेक्जेंड्रो वोल्ट साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे वोल्ट आया है, और वर्क डन W और चार्ज Q, यहाँ से यूनिट निकालेंगे हम SI यूनिट, ध्यान रखिए SI यूनिट सबकी आनी चाहिए आपको, CGS MKS जरूरी नहीं है, लेकिन SI यूनिट आपको सबका पता होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है कि वर्क की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट जूल, और चार्ज की अभी हमने पढ़ा है कूलम्ब, तो जूल अपॉन कूलम्ब दैट इज वोल्ट, क्या हो जाएगा ये वोल्ट, तो ये SI यूनिट है, ठीक है, सिंपल मीनिंग है, मतलब जूल अपॉन कूलम्ब लिखा हो या फिर वोल्ट लिखा हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट वोल्ट होगी, सिंबल इसको कैपिटल V से लिखते हैं, इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है कि डिफाइन वोल्ट, वोल्ट को डिफाइन करिए, ये हमने किसकी डिफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, नॉट वोल्ट की डिफिनेशन, ये तो अब पढ़ेंगे वोल्ट की डिफिनेशन, तो वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे वोल्ट कैसे आ सकता है, सिर्फ यहाँ से जूल वन हो जाए, कूलम्ब भी क्या हो जाए वन हो जाए, क्या मतलब है, यहाँ पे वन वोल्ट हो जाए, सॉरी यहाँ पे वन जूल हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए वन कूलम्ब हो जाए, और ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वन वोल्ट, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, वन वोल्ट इज डिफाइंड, अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ बस डिक्टेट कर दे रहा हूँ, वन वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन बाय मूविंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली यदि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाए, जूल को डिफाइन करने का यानी वर्क को डिफाइन करने का, तो वर्क कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट इनटू ये हो जाएगा चार्ज, मतलब यदि वर्क को हमें डिफाइन करना है तो यहाँ पे आ जाएगा वन वोल्ट इनटू वन कूलम्ब, तो वन जूल आ जाएगा, तो यहाँ से जूल की डिफिनेशन निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, तो जो कनेक्टिंग वायर होती है वो सिंपल इस तरह बनाई जाती है, ये क्या है कनेक्टिंग वायर,
कनेक्टिंग वायर, ठीक है। यदि वायर ऐसा है और यहाँ पे जॉइंट ऐसे किया हुआ है और ये है, तो ये कैसे जॉइंट वायर, कैसा ये जॉइंट वायर है, यानी ऐसा वायर जिसमें क्या हो, जॉइंट हो, ठीक है। यदि एक ऐसा वायर है और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, कहने का मतलब ये कि दो वायर हैं लेकिन इनका जॉइंट नहीं है, ये कैसे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर से ऐसे ऐसे निकल गए हैं, ठीक है, ऐसे, इनका मतलब ये है वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग। तीन चीज़ें समझ में आई आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा रजिस्टर, क्या है हमारा ये रजिस्टर। सपोज करिए ऐसा बना हुआ है और उस पर एक एरो लगा हुआ है, तो ये क्या है वेरिएबल रजिस्टर, क्या है ये वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल का मतलब क्या है, इसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, सपोज करिए ऐसा बना हुआ है और इस पे एक ऐसा एरो लगा हुआ इस तरह का स्टेट, रियो स्टेट, ऐसा बना हुआ है और इस पे आर लिखा हुआ है, ठीक है, और ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। होप इतना समझ में आ रहा होगा। सपोज करिए ऐसा बना हुआ है ऐसा और ऐसा है, तो इसको बोलते हैं ये स्विच है, लेकिन कैसा स्विच है, ओपन स्विच है, जैसे बटन हम चालू बंद करते हैं तो ये बंद वाले पोजीशन है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये इसको बोलते हैं ओपन स्विच, ओपन स्विच। यदि यही ऐसा हो जाए लाइक दिस, दिस इज क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच मतलब बंद है, बंद है इन द सेंस करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सर्किट कनेक्टेड है, यहाँ पे सर्किट डिसकनेक्टेड है। होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट सिंबल क्या है हमारा, एक बड़ी सी लाइन और एक छोटी सी लाइन, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जो बड़ा है वो उसमें पॉजिटिव लगाएंगे, जो छोटा उसमें नेगेटिव लगाएंगे, इसको बोलते हैं सेल, क्या है ये सेल। सपोज एक से ज़्यादा ऐसे बना हुआ हो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या है बैटरी। होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं इधर बना दे रहा हूँ। बल्ब का सिंबल कैसे हो, इस टाइप का, ये बल्ब है हमारा। फिर क्या होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में ऐसे जी लिखा रहेगा इस टाइप का, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, गैल्वेनोमीटर। इसके बाद होता है एक कंपोनेंट वी लिखा रहता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दिस इज वोल्टमीटर, ठीक। और लास्ट वन इज ए लिखा रहेगा ऐसा, ये सर्किट पॉजिटिव निगेटिव, दिस इज एमीटर। होप इतने आपको सिंपल समझ में आएंगे। तो क्विक इनका हम देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं इनको। नाउ फर्स्ट जो हमारा था कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, जो कनेक्टिंग वायर होता है जो नॉर्मली यूज़ होती है वो होती है कॉपर, किसकी बनी होती है कॉपर की। सिंबल क्या होता है क्यूपरम, दैट इज सी यू, ठीक है, तो ये कॉपर से बनी होती है। जो हमारा कॉपर की वायर है नॉर्मली इसका जो रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना मान के चलते हैं नेग्लिजिबल,
दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम आगे क्लास में देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। बस इतना ये ध्यान रखो कि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाता है, माना जाता है इन द सेंस ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्वेश्चन में यदि वायर दिया हुआ कनेक्टिंग वायर और क्वेश्चन में उसमें वैल्यू नहीं दी हुई है रेजिस्टेंस की, मान लीजिए यदि वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम उसकी वैल्यू जीरो लेके चलेंगे। मतलब यदि रेजिस्टेंस आर की वैल्यू नहीं गिवन है, सपोज करिए आर की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम आर की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, जीरो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि वायर में रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है याद रखना है। सेकंड हमारा था रजिस्टर रियोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। ये तीनों जो है नॉर्मली मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन से बने होते हैं। जो इनमें मटेरियल यूज, किस मटेरियल से बनते हैं ये, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। नॉर्मली इन्हीं मटेरियल से हमारा रजिस्टर रियोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स बना होता है। अब रजिस्टर क्या होता है हमारा, तो रजिस्टर भी क्या है, एक डिवाइस है और ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, कांस्टेंट। कांस्टेंट इन मतलब फिक्स है, मतलब यदि 4 ओम है तो 4 ओम ही रहेगा। अब ये ओम क्या है वो ओम्स लॉ में देखेंगे, बस इतना आप समझो कि रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब ऐसा नहीं कि इसको उठा के हम इलेक्ट्रिक में फिट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हम सर्किट जब प्रैक्टिकल करते हैं बनाते हैं वहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो रजिस्टर जो होता है इसके जो रजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, रजिस्टर है। रियोस्टेट क्या होता है हमारा, रियोस्टेट और इसके कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो होती है इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, वेरिएबल। क्या होंगी, वेरिएबल। कैसे वेरिएबल होगी, इसका अननोन वेरिएबल होता है और इसका नोन वेरिएबल होता है। अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या मीनिंग है इसका, अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि रियोस्टेट नॉर्मली हमने बताया ऐसे एक्चुअल में होता है जिसमें इसमें वायर्स ऐसे रहते हैं और यहाँ पे एक लगा रहता है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं, तो इसमें क्या रहता है, अननोन रहता है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती और इसको एडजस्ट करके हम वैल्यू पता करते रहते हैं। और इसमें क्या रहेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में जिसकी वैल्यू जो रहेगी उसके अंदर फिक्स रहेगी। सपोज करिए कि यहाँ बॉक्स है, ये इसमें वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे सपोज 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो वैल्यू पता रहेगी। अब वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। सेल, सेल क्या होता है, सिंबल ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव। और बैटरी क्या होगी हमारी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल दैट इज बैटरी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है एक सेल ये हुआ, फिर एक सेल लगाओ आप, दो नहीं दो से ज़्यादा, ये टू और मोर, दो ये हुए, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज नॉन एज बैटरी। सिंपल इतना है, तो सेल दो हो या फिर दो से ज़्यादा हो, दैट इज बैटरी, बैटरी हो गया ये। इसके बाद है हमारा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है,
गैल्वेनोमीटर को हम सर्किट में इसलिए लगाते हैं ताकि करंट डिटेक्ट कर सकें। करंट डिटेक्ट का मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज करिए सर्किट है और इसमें हमें पता करना है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कैसे पता करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर। तो क्या इसकी डिफिनेशन, इट इज़ ए डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच आर यूज टू, विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट डिटेक्ट करेंट। ठीक है, तो इसको हम, और इसमें एक पॉजिटिव पॉजिटिव जिसका टर्मिनल होता है पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी जो ज्वाइन करते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो नेगेटिव बैटरी में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमीटर और वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्या है हमारा एमीटर। एमीटर क्या होता है, ये हमारा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये हमें मेजर करता है, 2 एम्पियर को हो रहा है, 3 एम्पियर को हो रहा है। तो इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच आर यूज टू मेजर, विच आर यूज टू मेजर करेंट इन सर्किट, इन सर्किट। समझ में आए इतना आपको। अब इसमें कैसा होता है एमीटर, एमीटर ऐसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव साइड से हमेशा कनेक्ट की जाती है, और नेगेटिव को नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। और सबसे मेन चीज़ हमें याद रखना है, बहुत बार डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना सारे जितने भी पढ़े उनको तो सीरीज में करेंगे, एमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो एमीटर एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान रखना है हमें इस बात पे, सीरीज में हमेशा कनेक्ट किया जाता है एमीटर को। नेक्स्ट है हमारा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है, ये भी हमारा डिवाइस है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच आर यूज टू मेजर वोल्ट। ना वोल्ट किसका मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो विच आर यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इतना समझ में आया हो आपको। और हमें हमेशा याद रखना है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो ये हमें याद रखना है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट, पैरेलल विथ सर्किट। ये हमें ध्यान रखना दोनों में, कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में और एमीटर को हमेशा सीरीज में। इतना समझ में होगा। अब इसका एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और सब मतलब क्या है, और लास्ट क्लास को फिर रैप अप करेंगे। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होगा, एक्चुअल में सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, व्हाट इज सर्किट, क्या होता है वो देख लेते हैं। ये एक बैटरी लगा दिए, या फिर ये हमने बैटरी लगा दिया, समझ में आया था ना, ये हमने कर लिया, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, ये वायर, यहाँ पे सपोज करिए एक बल्ब लगा दिया एक, ठीक है, ये, और इतना करके छोड़ देते हैं।
अब देखना है हमें कि हमें कहाँ पे करना, तो ये क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इधर समझ में आया। अब ये पॉजिटिव है तो हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज़ और आप मेंशन कर लो कि करंट, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख लो आप, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कोई पूछे करंट के डायरेक्शन का, क्योंकि डायरेक्शन हमें सर्किट जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए करंट किधर फ्लो हो रहा है, तो हमेशा करंट, क्योंकि नेगेटिव साइड है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी होगी, इस साइड में इलेक्ट्रॉन मूव होगा, और इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव होगा तो मतलब करंट इधर मूव होगा, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी करंट की। तो हम इसमें ऐसे एरो लगा लेते हैं, एरो का मतलब क्या है कि हमारा करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सर्किट अभी ओपन है, मैंने क्या बोला, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाइए, पैरेलल ये तो इसके साथ लगा देंगे तो सीरीज हो जाएगा, तो पैरेलल का मतलब क्या है, ऐसे ये हमने यहाँ पे वोल्ट लगा दिया वोल्ट मीटर, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, होप इतना समझ में आया होगा आपको। तो ये पैरेलल हो गया, और नेक्स्ट हमारा क्या है, एमीटर है, तो एमीटर ये सीरीज में, और इसको ऐसे जोड़ दिया, ये सीरीज में हो गया एमीटर। अब वोल्ट मीटर कैसे फंसाएं, पॉजिटिव किधर हो निगेटिव किधर हो, ये भी तो एक क्वेश्चन है, इसमें भी पॉजिटिव किधर हो निगेटिव किधर हो, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव उस तरफ होता है जिधर पोटेंशियल डिफरेंस, जिधर पोटेंशियल क्या हो इलेक्ट्रिक ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो यहाँ पे ज़्यादा हो, क्योंकि करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा मतलब इधर पॉजिटिव होगा, और यहाँ पोटेंशियल कम होगा दैट इज़ इधर निगेटिव होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव जिधर पोटेंशियल ज़्यादा होता है उधर पॉजिटिव लगाते हैं, जिधर कम होता है उधर निगेटिव लगाते हैं, और एमीटर का पॉजिटिव साइड में ही पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव। दिस इज द सर्किट डायग्राम, अभी ये ओपन सर्किट है, क्या है ये ओपन सर्किट, जैसे ही हम यहाँ पे डॉट लगा दिए, क्या लगा दें यहाँ पे मान लीजिए डॉट, तो डॉट का मतलब क्या है, हमारी सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, और क्लोज हो गया है तो करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द सर्किट। तो होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि सिंबल क्या है, सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, कैसे करंट फ्लो होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब ओम्स लॉ और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना था कि एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, यदि आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।